भाजपा नेता अमन अब्बास नकवी पर जानलेवा हमला करने वाला गिरफ्तार भेजा गया जेल। 1 अप्रैल को कोतवाली क्षेत्र के बरेली मथुरा मार्ग पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अमन अब्बास नकवी अपने साले धीरज के साथ ढाबा से खाना खाकर आ रहे थे, तभी रंजिश के चलते 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने कार रोककर उन्हें चाकू मार कर घायल कर दिया। भाजपा नेता अमन अब्बास नकवी की पत्नी पूजा ने दिनेश वाल्मीकि व 4 अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बृहस्पतिवार 1 अप्रैल की रात नगर के मोहल्ला अयोध्यागंज काशीराम आवास निवासी दिनेश वाल्मीकि ने रंजिश के चलते लगभग 10 बजे के करीब सरदार कोल्ड स्टोरेज के समीप भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ब्रिज क्षेत्र मंत्री अमन अब्बास नकवी पर 5 लोगों ने कार के आगे बाइक लगाकर कार को रोककर उन पर चाकू का प्रहार कर घायल कर दिया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला बहादुरगंज में सुरेश के मकान में दबिश देकर दिनेश वाल्मीकि को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने के बाद जेल भेज दिया है। इंडिया पावर न्यूज़ के लिए मोहम्मद आरिफ खान की खास रिपोर्ट।